सो है गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और अभी हम चैंपियनशिप के लिए निकल लिए हैं, मतलब अभी कैब कर ली, बाहर खड़ी है तो जा रहे हैं। तो चैंपियनशिप जाएंगे और खेलेंगे आज अच्छे से। तो आज और कुछ नहीं है, देखेंगे आज कितना बेस्ट दे पाता हूँ अपना चैंपियनशिप में। और अगर अच्छा आया तो इंस्टाग्राम पे रील की बौछार हो जाएगी, और अगर रील की बौछार हो गई तो मेरे थोड़े से फॉलोअर बढ़ जाएंगे। बस यही सिलसिला चलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शॉर्ट्स भी डाला करूँगा अब। देखो यार, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, ना लोगों को शेयर कर दो, मतलब जो टाइकोंडो में भी नहीं है यार, उनको भेज दो। आपका सपोर्ट और आपका प्यार ही मुझे आगे लेके जाएगा। मेरी सीढ़ियों पे आपका प्यार ही मुझे अपनी, मतलब जो सीढ़ी मैं चलना चाहता हूँ उस पर बढ़ाएगा। तो प्लीज़ शेयर माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं, अभी कैब खड़ी है, मेरा वेट कर रही है। सुबह सुबह नहाने से ना ठंड और बढ़ जाती है यार। और ये मेरा आउटफिट आज का, यार मेरे को ना चप्पल बहुत पसंद है। मैं शूज़ पहनता हूँ ना तो मेरे को थोड़ा इरिटेट होता है, मतलब टाइट टाइट पैर हो जाते हैं, मुझे पसंद नहीं है शूज़। तो चप्पल और सॉक्स पहन लो, इजी। भाई हम बैठ गए हैं अभी कैब में, और कल वाले ही हैं, बस एक हमारा कोच बड़ा है ये नया, ये आज हमारी कोचिंग करेगी। और पता नहीं, कोचिंग तो इनकी बहुत ही खतरनाक है, मतलब ना ये अपने 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 प्लेयर को हराने के लिए कुछ भी प्रोटेस्ट कर सकती है ना। तो भाई आज देख के खेलना पड़ेगा और मजा आएगा यार। काफी टाइम बाद, मतलब मैं ना 10-11 महीने बाद चैंपियनशिप खेलूंगा अब। और बच्चे भी ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है मेरे वेट में, बहुत कम नहीं, ठीक है। सॉरी भैया, सीट बेल्ट लगानी बहुत जरूरी है, मैं भूल गया था, सॉरी। ये लगा लेता हूँ। ठंड बहुत हो रही है, फोग भी हो रहा है, आराम से जाना पड़ेगा। और तो कुछ नहीं है, बाकी मिलते हैं। ये हमारे भैया हैं जो हमें लेके जा रहे हैं। तो अभी खेलते हैं। अभी यार मैं व्लॉग अपलोड कर दिया हूँ, अभी कर रहा हूँ, मतलब हो ही नहीं रहा यार, लेट हो जाता हूँ। तो आप कमेंट करके बताओ कि इस टाइम अपलोड किया करूँ व्लॉग, तो मैं उसी टाइम अपलोड कर दिया करूँ। वैसे तो अभी मैंने मॉर्निंग का देखा है कि 10 से 11 या 12 बजे तक मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि यही मेरे लिए फ्री टाइम होता है, उसी में अपलोड कर देता हूँ। बाकी अगर आप जिस टाइम फ्री रहते हो तो मेरे को बता दो, मैं उसमें कर दूंगा। फाइनली पहुँच गए स्टेडियम के बाहर, अभी अंदर जा रहे हैं, अभी यहाँ चेकिंग वेकिंग होगी यार। है तो बस है ऐसे ही टाइम पास ही, जो इनका वो है वो चेक करने वाला। कैसे हो भैया? गुड मॉर्निंग। तो बस ऐसे हाथों से गाँव हो जाता है भाई। तो अभी अंदर जा रहे हैं, फिर देखते हैं क्या है। वेट चेक तो कल हो गया था डन, अभी बस खेलना है भाई। चैंपियनशिप आ गए हैं, अभी तक तो शुरू नहीं हुआ है, और 11 बज चुके हैं, 11:30। बस इधर यही होता है कि ना जो टाइम होता है उससे ना थोड़ा सा लेट शुरू होता है। जब मैं ईरान में गया ना तो उन्होंने बोला था कि 9 बजे ना फाइट स्टार्ट हो जाएगी उधर, और एग्जैक्ट 9:00 पे नाम अनाउंसमेंट हो गया था और शुरू हो गई थी, मतलब चौंग हो जाता है। तो मतलब यहाँ जो 9 बजे बोल के 11 बज गए, तो इतना ही है। बाकी सब लोग इधर बैठे हैं ऊपर, वो बैठे पीछे, तो अभी देखते हैं क्या होगा। काका 63, पहले इसकी फाइट होगी, फिर उसकी होगी, उसकी फिर इनकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, और मैं बाद में खेलूंगा। स्टाइल है नहीं, खतरनाक चीजें हो गई ना यहाँ। अभी बोल रहे थे कि अभी तक तो था कि KPN भी कराएंगे यहाँ, बट अभी बोल रहे हैं कि डू स्पोर्ट्स पे कराएंगे, और वो तो पता ही है कैसा होता है यार। मतलब मुझे नहीं पता कि वो कैसा होगा, बट मेरा तो मन नहीं है अभी खेलना, उस पर स्कोर भी नहीं आते यार। मैं एक बार खेल रहा हूँ पहन के। 20 मिनट से ना अरीना ऐसे ही बंद पड़े, क्योंकि वो हो गए सेंसर खराब, उनका ऑपरेशन चल रहा है, वो खोल के देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि भाई आज ये हो पाएगा। ये है हालत, आधे घंटे से ऐसे वेट कर रहा है, और ये इसका चेस्ट गार्ड खराब हो रखा है, और उधर भी ऐसी है। देखो यहाँ से कोई भी लोकल चैंपियनशिप नहीं खेलूंगा, दिस इज माय लास्ट लोकल चैंपियनशिप रियली। पुराने ले लिया वो, मेरी तो बहुत पहले लास्ट थी यूपी स्टेट, उसके बाद तो मैंने प्रण ले लिया था नहीं खेलूंगा। मैंने सोचा कुकी वन कप के नाम पे कुकी वन कप होगा, बट ये कुकी वन कप नहीं है,
ये ग्रैंड मास्टर ली जोंग ही कप कुकी वॉन नीचे इंडिया ओपन इंडिया इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप कुकी वॉन अरे क्या लिखा है डिस्पैच डिस्पैच मास्टर ऑफ इंडिया टू इंडिया भाई देख लो पढ़ लो यार वो है तो भाई इतनी क्लियर फेस मारी स्कोर ही नहीं आया तो मैं तो तुझे अप्रिशिएट कर रहा हूँ यार तूने बहुत अच्छी और यार बिना मैंने एक सैंडविच खाया बहुत ही स्पाइसी जल रहा है अब वो कल भी जलेगा देखिए ना सेंसर कराएंगे कैडेट वाला मतलब जो ब्लैक बेल्ट है जूनियर ब्लैक बेल्ट है और सीनियर बट अभी मैनुअल हो रहा है कैरिट का तो मैनुअल शुरू हो गया इसका पहला ना ये देव है ना जो इसका ना पहला था कि मैं पहली बार सेंसर खेल के आऊंगा बट इसका यहाँ पहली बार भी मैनुअल ही खेल रहा है बेचारा देव कैसा लग रहा है मैनुअल खेलने के बाद कैसा लगेगा इसका सपना कि मैं एक बार सेंसर पहन के ना सेंसर खेल लो बट इसका 1.5 साल हो गया पूरा नहीं हो रहा है जा भी जाता है भाई मैनुअल खेलता है देखते हैं अभी क्या करेगा यार भाई देव का तो गोल्ड आ गया उसका तो सपना सपना ही रह गया सेंसर से खेलने का अभी इसकी बारी है और ये पता नहीं क्या करेगा मैं तो बाहर हूँ इससे मतलब मैं तो इस सिचुएशन से बिल्कुल बाहर हूँ मतलब तुम देखोगे ना यहाँ की मैट भी दिखाऊंगा अगर मैं जाऊँगा ना अंदर तो दिखाऊंगा कैसे भाई ये बहुत ही गंदा बच्चा है टूट नहीं रहा है भाई दूसरा लेके आओ इसके लिए ये तो मुश्किल ही है अच्छा ऐसे पहले ऐसे ऐसे ब्रूसली ब्रूसली एक दो तीन करे 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 बहुत ओके आपका ओवर के ओवर के लिए ना ना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोग आप कर रहे हैं ये लाकर ले लीजिए नहीं बना पाया अब लोग नहीं बना पाया क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था मेरा वहाँ डाउन हो गया था और चार्जिंग का भी कोई सिस्टम नहीं था तो भाई मैं तो चैंपियनशिप नहीं खेला क्योंकि मैं यार इतना बड़ा प्लेयर नहीं हूँ कि मैं बोलूँगा आपको कि मैं डू स्पोर्ट नहीं खेलूँगा ये नहीं खेलूँगा बट ना वहाँ खेलने का मन ही नहीं था वो माहौल ही नहीं था चैंपियनशिप वाला यार पहले तो मेरा मन ख़राब ही हो गया था यार मैंने बताया आपको कि मेरा कैसे कैसे मन उठ गया एकदम से कि डू स्पोर्ट्स और ये मतलब डू स्पोर्ट भी अच्छा है यार बट जब वो कहीं भी कहीं चैम्पियनशिप में खेलते ही नहीं उस पर तो उस पर क्यों खेलना तो बस इसी वजह से मैं नहीं खेला यार चैम्पियनशिप भी वो ऐसे ही था मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बेकार था बट कुछ लोगों के अच्छा था कुछ लोगों के नींद अच्छा था तो मैं तो नहीं खेला भाई मैं तो अभी उठाऊँ सो के 1:30 बजे 1:30 बजे हम वापस आए हैं वहाँ से और ये टाइम हो गया अभी सो के उठाऊँ 10 बज रहे हैं तो सब लोग करते हैं ख़त्म कोई और चैंपियनशिप टारगेट करेंगे उसमें जाएंगे और बस यार मेरे को ना इंजरी का डर रहता है यार ऐसी जगह कि ना इंजरी ना हो जाए और प्लेयर भी नहीं था यार वो आप 6-7 बच्चों के मतलब 7-8 बच्चे थे उसमें से दो एक ही फाइट हुई मेरे बाद भी मतलब एक मेरी होनी थी एक और हुई बस तो एक फ़ाइट खेल के कोई फ़ायदा नहीं था मुझे बाई मिली हुई थी तो मैं छोड़ दिया यार उस चीज़ को तो देखते क्या हुआ तो भाई यही है तो ब्लॉग को करते हैं ख़त्म चैनल को सब्सक्राइब करो कमेंट करो लाइक करो शेयर करो